अभी सुबह के 6 नहीं बजे हैं, 6 बजने वाला है। उजाला हुआ नहीं है, होगा अभी थोड़ी देर में। अब जा रही मैं फ्रेश होने, ब्रश करने, जस्ट उठ के यहाँ पे आ गई देखने के लिए पेड़ों को, और बहुत अच्छी सा मतलब बहुत अच्छा सा एहसास होता है। कपड़े भी सूख गए, थोड़ा सुबह की धूप लगेगी ना और अच्छे से सूख जाए। चलती हूँ ब्रश कर। गुड मॉर्निंग, आगे में ब्रश करके फ्रेश होके तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूंगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आ गए हम वॉक पे, नीचे आगे वॉक करने के। घने घने पेड़ है ना, आज व्हाइट कलर का स्टाइलिंग किया हुआ है। मम्मी डैडी एंड बेटू जी, पता नहीं कौन सा फल है ये। अच्छा लग रहा है ना, टी शर्ट रेड और नीचे पैंट, मेरा टी शर्ट मैच कर रहा है। आपके टी शर्ट से मैच कर रहा है। दुकान को ना बैलून से सजाया गया, कुछ ओपनिंग होगा। ये नया कुछ खुला है हमारे एरिया में, शायद अभी खुला। लंच नहीं बनाना है क्योंकि ना मिथिलेश जी के ऑफिस में कोई पार्टी दे रहा है, तो मैं सिर्फ आलू की भुजिया बना दूंगी और चपाती खा के चले जाएंगे, और मेरे लिए भी लंच वहीं से आएगा, इसलिए बस आलू की भुजिया चपाती बनाना है, ज्यादा कुछ बनाना नहीं है। ये है ब्रेकफास्ट हमारा, चपाती एंड आलू की भुजिया। पेटेंट नाश्ता, आलू भुजिया, परोल भुजिया,
जी, मैंने कुछ मंगाया है ऑनलाइन। खोल के देखते हैं। मुझे पता है क्या है। ये अच्छे से पैकिंग करते हैं ना। मुझे सब्जी बनाने में थोड़ा बर्तन शॉर्ट पड़ रहे थे ना, तो मैंने ये मंगाया। इसमें दो कढ़ाई है, एक ये है और एक छोटू सा है, छोटा सा, कुछ भी फ्राई करने के लिए, पापड़ या कुछ भी फ्राई कर सकते हैं, और एक बड़ा सा। मुझे आयरन की कढ़ाई चाहिए थी। मुझे ना एल्युमिनियम की कढ़ाई में सब्जी बनाने से टेस्ट ही नहीं आता है। अच्छा है ना। दोपहर के ना 1 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ लंच करने। और ये लंच आया है मिथिलेश के ऑफिस से, क्योंकि उनके ऑफिस से कुछ पार्टी थी आज। अभी दिखाती हूँ क्या क्या है। ये है चपाती, पराठे हैं, ये कुछ राइस है, कर्ड राइस के जैसा है, ये भी कुछ पुलाव के जैसा है, और ये पनीर की सब्जी लग रही है मुझे, मैंने अभी चेक नहीं किया है। तो ये है मेरा आज का लंच। आप सब भी आइए एंजॉय करने मेरे साथ साथ। लंच कर लिया मैंने और ना बहुत टेस्टी था, मतलब किसी चीज में इमली नहीं थी। पनीर की सब्जी थी और 2 प्रकार की राइस थी, एक तो बहुत सारा नारियल था उसमें, और चने दाल का भी कुछ तड़का उड़का डाला था, बहुत टेस्टी था। और एक था पुलाव टाइप का, जो वेजिटेबल पुलाव होता है ना, वो था। और पनीर की सब्जी थे, पराठे थे, मैं तो इतना खा ही नहीं पाई, तो आधा मैंने रख दिया, रात को खाऊंगी। अभी नहीं। मेरी बड़ी पूरी सूख गई, अब इसकी सब्जी बनेगी, कल बनेगी शायद इसकी सब्जी। बैगन आ गया, तो आलू बैगन में बड़ी डाल के बहुत टेस्टी बनता है ना। अभी अभी मैंने पूरा घर को क्लीन किया। अब थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी। चाय बना के पीने के बाद ही ना दिमाग में थोड़ी सी स्फूर्ति आती है। दिमाग की बत्ती जलती है। चाय पीने के बाद, लेकिन अभी वाला नहीं, मॉर्निंग वाला टी पी के ना तभी काम में मन लगता है, नहीं तो कोई काम ही नहीं होता।
और अभी तो आदत पड़ गई है थोड़ा सा, कभी कभी नहीं भी मिलता है ना इवनिंग टी तो चलता है, नहीं खास जरूरत थी इवनिंग टी की मुझे। बनाने जा रही हूँ जो मैंने बड़ी बनाए थे ना, बड़ी और आलू की सब्जी, देखते हैं कैसा बनता है। बहुत दिनों के बाद मैंने बड़ी बनाया, उड़द की बड़ी है, वो उड़द दाल की बड़ी है। उसको पहले फ्राई करूंगी, फिर आलू को भी फ्राई करके निकालूंगी, फिर मसाला फ्राई करके इसमें डाल दूंगी। जब पक जाएगा तो गैस बंद कर दूंगी। सिंपल सा प्याज और अदरक लहसुन वाला और थोड़ा सा जीरा, बस ज्यादा मसाला नहीं। बनाऊंगी मेरी नई वाली कढ़ाई में, जो उसमें छोटी वाली है ना, उसमें ही बनाऊंगी आज। इसमें बनाऊंगी आज सब्जी, आज शुभारंभ इस कढ़ाई के साथ। बड़ी मैंने और यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई, भी गैस जलाई नहीं है, अभी जला। आगे में नीचे वॉक करने के लिए डिनर करने के बाद, आज काफी हैवी डिनर हो गया। लंच ज्यादा हो गया? नहीं, डिनर तो ठीक था, लंच हैवी था। इनके ऑफिस, मिथिले जी का ऑफिस आया था ना, इतना सारा खाना। आज वॉक करना जरूरी है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।